चाहत पांडे की वजह से अब विवियन ने बोला कि बाथरूम के बाहर जो है लगानी पड़ेगी किसी एक सदस्य की ड्यूटी। आखिरकार क्यों बोला है विवियन ने ऐसा, चलिए आप लोगों को बताती हूँ पूरा माजरा। अभी फिर दोबारा से घर के अंदर आखिरकार हुआ क्या है ऐसा, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को भी लगता है कि चाहत पांडे जो है वो साफ सफाई नहीं रखती, वो गंदगी रखती है, क्योंकि एक ही इंसान के पीछे बार बार आखिरकार क्यों इतने सारे लोग लगेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा माजरा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी। पर अगर ऐसी चीजें हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को जो है इसकी रियलिटी बाहर ऑडियंस को भी दिखानी चाहिए। जो आज हुआ है वो चीज अगर एपिसोड में दिखाई जाएगी तब ऑडियंस के माइंड में भी काफी सारी क्लैरिटी जो है वो जरूर आएगी कि भाई चाहत ऐसी चीज करती भी है या नहीं। मैं बाथरूम के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, बाथरूम के बाहर की बात कर रही हूँ कि वहां पर ऐसा जजमेंट जो है वो लगाया जा सकता है कि भाई ये चीज गंदी है या नहीं है, क्या वो हाइजीन नहीं रख रही है, क्या वो गंदगी ही रख रही है। तो अब जो है एलिस बाथरूम से बाहर आती है और वहां पर सब लोग रहते हैं और बोलती है कि बहुत ही ज्यादा गंदा बाथरूम था। तो विविन बोलते हैं कि गंदा बाथरूम था क्या था, तो बोली वही चीज जो कि पहले थी। बोला हाँ क्या, वो कैसे, मतलब कि कौन गया था बाथरूम? तो बोला और कौन भाई, वही गई थी बाथरूम, हम उससे पहले अब भी तो निकली थी वो। तो बोला अगर वो निकली थी, तूने अगर देखा था तो डेफिनेटली वही के वही उसको बोल के उसको दिखाना चाहिए था ना तुझे, क्योंकि वो मानती नहीं है। तो बोले मैंने उसको बोला नहीं है, जाने तो मेरा दिमाग मेरे को खराब नहीं करना था, मैंने जो है वो क्लीन कर दिया और मैंने यूज किया। पर तो विविन का कहना ये है कि नहीं भाई वो मानती नहीं है, अब तो बाथरूम के बाहर किसी की ड्यूटी लगानी ही पड़ेगी। जब भी ये बाथरूम से बाहर निकलेगी अगर इसने गंदगी की होगी तो उस वक्त जो है उसको दिखाया जाएगा कि देख तूने गंदा किया है, देख ये तेरी गंदगी है। तो अब इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं। क्या ये चाहत पांडे जो है ये गंदगी ऐसी ज्यादा फैला रही है, इतना ज्यादा सब चीजें कर रही है, क्या ये जानबूझ के करती है ऐसी चीजें? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि कभी कभार हम लोग बहुत अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट की ही बात करें अगर, अभी तो पब्लिक टॉयलेट जो है काफ़ी ज़्यादा साफ रहते हैं क्योंकि साफ किया जाता है, पर अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कभी भी पब्लिक टॉयलेट तक मैं यूज़ नहीं करती हूँ भाई, अपना जाते हैं सीधा आते हैं बस, और अगर अच्छी जगह पे कैफ़े एक कॉफ़ी पी लो वहाँ पर जाके, वहाँ का अच्छा जो वॉशरूम है वो यूज़ करो, अदरवाइज और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो है स्प्रे साथ में रखो कि स्प्रे मारो और फिर उसके बाद जो है यूज़ करो, क्योंकि ये एक्चुअली में हाइजीन मेंटेन करना होता है और लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि लड़कियों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। पर चाहत पांडे क्या ये सब चीजें कर रही है, या आप लोगों को लगता है कि ये चारों जो है जानबूझ के चाहत पांडे के पीछे पड़े हैं? पर इस चीज की क्लैरिटी जब बिग बॉस हम लोगों को दिखाएंगे कि भाई जो गंदा बाथरूम था और उसी वक्त चाहत पांडे निकली थी तो फिर एलिस ने ये चीज की, तब हमें क्लैरिटी पता चलेगी। क्या कहते हैं आप लोग? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।